जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी को मनाइए और सदा सुख पाइए। दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं में माता लक्ष्मी का अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि माता महालक्ष्मी संसार में यश, वैभव, कीर्ति और धन को देने वाली है। जिस तरीके से माता सरस्वती बुद्धि की और विद्या की देवी हैं, बिल्कुल उसी प्रकार माता लक्ष्मी धन की, यश, वैभव और कीर्ति की देवी है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले आपको माता लक्ष्मी के स्वामी भगवान श्री हरि को, यानी भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना भी परम आवश्यक होगा। यदि आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना नहीं करेंगे और माता महालक्ष्मी का ये टोटका ये प्रयोग करेंगे, तो आपका ये प्रयोग सफल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करनी परम आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन आए, यश आए, वैभव आए, कीर्ति आए, आपको कभी आर्थिक समस्या न रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, तो आपको भगवान श्री हरि की और माता लक्ष्मी की ये साधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ये मात्र 3 शुक्रवार का प्रयोग है, और यदि 3 शुक्रवार आप ये प्रयोग कर लेते हैं और माता रानी की कृपा आप प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी और आपको हर तरह की जीवन में सुख सुविधा मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, माता रानी को यदि आपको प्रसन्न करना है, तो उसके लिए आवश्यकता केवल एक चीज की है। दोस्तों, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ ऐसी बातें नहीं है कि आपको कुछ विशेष प्रकार के टोने टोटके करने हो या मंत्र पढ़ने हो। नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको केवल आवश्यकता है तो प्रेम की और श्रद्धा की। दोस्तों, जो प्रेम, जो श्रद्धा भक्त में हुआ करती है, जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भगत थी, उनके प्रेम की दीवानी थी। दोस्तों, अगर आप श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ इस साधना को करेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत कम भगत ऐसे हुए हैं जो भगवान को सह शरीर प्राप्त हुए हैं, और मीराबाई उन्हीं भक्तों में से एक थी। दोस्तों, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें कुछ भी सुध नहीं रहती थी। उनके घर वालों ने उनको जहर दे दिया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटी और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी, उसमें वे सह शरीर समा गई थी। इतना प्रेम करती थी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से। तो दोस्तों, यदि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता केवल एक चीज की है, और वह है श्रद्धा की और प्रेम की। यदि श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ आप इस प्रयोग को, इस साधना को करेंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। दोस्तों, कुछ नहीं पता कब किस्मत बदल जाए, कब वक्त बदल जाए, कब कौन सा उपाय आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो जाए और आपके जीवन को बदल दे, आपकी किस्मत को बदल दे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के प्रयोग हैं, लेकिन उनमें से जो ये प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही सरल प्रयोग है और मात्र 3 शुक्रवार का ये प्रयोग है जो कि आपको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, धन कमाने के 2 मार्ग होते हैं, एक शास्त्रीय मार्ग होता है और एक अन्य मार्ग होता है। जो शास्त्रीय मार्ग है, यदि आप हिंदू हैं, यानी सनातन धर्मी हैं, आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो दोस्तों आपको सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, उनके बारे में भी आपको अवश्य पता होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज सनातन धर्म का जो शास्त्रीय विधि है धन कमाने के, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कठिन कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो सफल नहीं होते हैं, उनको धन लाभ नहीं होता है, धन अर्जन नहीं होता है, तो दोस्तों गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और वो चोरी, डकैती, लूट पाट करनी, गलत कार्य करते हैं और इस प्रकार वो धन अर्जन करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से प्राप्त किया गया जो धन होता है, वो शास्त्रीय विधि से प्राप्त किए गए धन के बिल्कुल भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये धन दूषित होता है और ये धन जिस प्रकार आपके घर में आता है, उसी प्रकार चला भी जाता है। दोस्तों, यदि आप गलत मार्ग से पैसा कमाएंगे, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, बल्कि आपको हमेशा नुकसान ही होगा, घर में तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाएंगी।
तो दोस्तों क्या है शास्त्रीय विधि, किस प्रकार आप पैसा कमा सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि जो हमारे सनातन धर्मी भाई बहन हैं उनको सनातन धर्म से संबंधित काफी जानकारी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते हैं। और दोस्तों हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको जो हमारे सनातन धर्म से संबंधित जो प्राचीन उपाय हैं, विधियां हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप धन लाभ कर सकें, आप इन प्रयोगों कर सकें और माता रानी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में आप तरक्की को प्राप्त कर सकें। दोस्तों जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको केवल 3 शुक्रवार करना है, ना 3 शुक्रवार से कम और ना 3 शुक्रवार से ज्यादा, केवल 3 शुक्रवार का ये प्रयोग है। तो दोस्तों बताते हैं आपको कि आपको ये प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आप सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है, यानी सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, रात्रि का जो तीसरा पहर होता है सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें, यदि आपके घर के आसपास कोई प्राकृतिक नदी है, प्राकृतिक सरोवर है, प्राकृतिक कुंड है, या कोई गंगा गोदावरी जैसी कोई पवित्र नदी है तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन यदि नदी आपके घर से काफी दूर है या किसी भी कारणवश आप नदी में नहीं जा सकते स्नान करने के लिए, तो आप अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आपको माता रानी की फोटो के सामने या उनकी प्रतिमा के सामने आपको बैठ जाना है। इसके पश्चात आप माता रानी के आगे देसी घी का आपको दीपक जलाना है और ध्यान रखें जो दीपक की जो बाती हो वह सफेद रुई की होनी चाहिए, किसी अन्य रंग की नहीं होनी चाहिए। माता रानी के आगे देसी घी का दीपक जलाने के बाद आप एक माला ले लीजिए जिसमें 108 दाने हो और उसके पश्चात माता रानी का जो प्रिय मंत्र है ओम श्री श्रीय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे हमने आपको भी बताया है, प्रेम और श्रद्धा। दोस्तों अगर प्रेम और श्रद्धा है तो आपकी जो साधना है वो सफल हो जाएगी। दोस्तों एक धन्ना जाट हुआ है हमारे देश में जिसको भगत धन्ना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों भगत धन्ना को उस गांव के एक व्यक्ति ने झूठ बोलकर एक पत्थर दे दिया और कहा कि ये भगवान है, क्योंकि भगत धन्ना को भगवान से मिलने की बहुत प्रबल इच्छा थी। तो भगत धन्ना जो थे बहुत ही सीधे साधे थे, तो उन्होंने उस पत्थर को ही भगवान समझ लिया और पत्थर को भगवान समझकर उन्होंने उनकी पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने खाना भी खाना छोड़ दिया और कहा कि प्रभु जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, 7 दिन तक जो धन्ना जाट थे वो भूखे रहे और 8वें दिन भगवान श्री हरि को प्रकट होकर भगत धन्ना जाट का खाना खाना पड़ा, उनका भोग स्वीकार करना पड़ा। भगवान श्री हरि ने धन्ना जाट के खेत में हल चलाया। तो दोस्तों ये होती है भक्ति की शक्ति। तो दोस्तों यदि आप प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ माता महालक्ष्मी की प्रतिमा को अपने मन में, अपने हृदय में धारण करते हुए बड़े ही प्रेम के साथ, उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी साधना करेंगे, उनके इस प्रिय मंत्र ओम श्री श्री नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करेंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से माता रानी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। दोस्तों यह आपका दैनिक क्रियाकलाप है, यानी आपको प्रतिदिन सुबह उठना है और सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद माता के आगे देसी घी का दीपक जलाने के पश्चात आपको माता के आगे 108 बार मंत्र जपना है। लेकिन दोस्तों जो शुक्रवार की साधना है वो हम आपको बताते हैं कि वो कैसे करनी है। दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको प्रातःकाल उठना है रोज की तरह और स्नान करने के पश्चात आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। पीले वस्त्र केवल आपको शुक्रवार के दिन ही पहनने हैं, क्योंकि माता रानी को प्रिय पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय होते हैं। पीले वस्त्र पहनने के पश्चात आप चांदी की कोई अंगूठी या कोई रिंग आप बनवाकर पहले से रख लें और वो आप अपने हाथ में पहन लें, दाएं हाथ में पहन लीजिए। और उसके पश्चात आप माता रानी के आगे रोज की भांति आपको दीपक जलाना है और जो माता रानी का प्रिय मंत्र है ओम श्री श्री नमः, इसका आपको जाप करना है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात आपको माता रानी को खीर का भोग लगाना है और खीर का भोग लगाने के बाद आप किसी विद्वान पंडित को आपको अन्न दान करना है, यानी गेहूं और चावल आपको दान करना है। आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं, पंडित यानी ब्राह्मण को ही आपको दान करना है। और दोस्तों इसके पश्चात आपको 7 साल की
जो कन्या होती है 7 साल या उससे कम आयु की जो कन्या होती है उसको आपको जिमाना है, यानी उसको आपको खाना खिलाना है। दोस्तों यदि कन्या ब्राह्मण की हो यानी ब्राह्मण पुत्री हो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि ब्राह्मण पुत्री ना हो तो आप किसी भी कन्या को 7 साल की या उससे छोटी कन्या को आप भोग लगा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, उसे जिमा सकते हैं। दोस्तों ये प्रयोग आपको 3 शुक्रवार करना है, केवल 3 शुक्रवार करना है, ना तो कम और ना ही ज्यादा। और दोस्तों विशेष बात जो आपको ध्यान रखने की वो यही है कि इस साधना का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। आपके घर परिवार में माता पिता भाई बहन बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। यदि वो आपसे पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी प्रेम है, ये मेरी भक्ति है जो मैं करना चाहती हूँ। तो आप इस तरीके से कहकर आप इस प्रयोग को साधना को कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी आपको नहीं बताना है, केवल पति और पत्नी के बीच में ही ये बात रहनी चाहिए, किसी और को ये बात आपको नहीं बतानी है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप ये प्रयोग करते हैं और माता लक्ष्मी आपकी श्रद्धा से आपके प्रेम से प्रसन्न हो जाती है आपके ऊपर, तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपके जीवन में इतना धन और इतनी लक्ष्मी आएगी कि आप दोस्तों से संभाल नहीं पाएंगे, आप निश्चित रूप से अमीर हो जाएंगे। दोस्तों श्रद्धा और प्रेम परम आवश्यक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है इस प्रयोग को करते हुए। तो इसे कोई टोटका ना मानकर, इसे कोई साधना ना मानकर, इसे आप भक्ति मानकर इस प्रयोग को करें तो निश्चित रूप से माता रानी की कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को आप अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।